बारिश का मौसम शुरू होते ही जर्जर हो चुके शासकीय भवनों में पानी टपकना शुरू हो गया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से संचालित हो रहे बोझ मुक्त विश्वविद्यालय भवन की दीवारों में दरारें आ गई है, जिस कारण भवन के कमरों में पानी टपक रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के यंत्रिकी विभाग ने भी इस भवन को जर्जर घोषित कर दिया है। अब बोझ मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारी दूसरे भवन में कार्यालय शिफ्ट करने के लिए भवन को तलाश कर रहे हैं। उज्जैन के विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किए जा रहे मध्य प्रदेश बोझ मुक्त विश्वविद्यालय का भवन वर्षों से पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया है। लगभग 50 वर्ष पुराने हो चुके इस भवन की छत और दीवारों में दरारें आ गई है। बारिश का मौसम शुरू होते ही भवन के कमरों में से पानी टपक रहा है, जिस कारण शिक्षण सामग्री, विभागीय कागजात और पुस्तकें गीली हो गई है। जो हालात ये हैं कि कंप्यूटर और फोटोकॉपी मशीन में भी पानी लग गया है। दीवारों में पानी लगने के कारण करंट भी फैल रहा है, जिससे कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। हालांकि विक्रम विश्वविद्यालय के यांत्रिकी विभाग ने इस भवन को जर्जर घोषित कर भवन खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब बोझ मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय को किसी और स्थान पर शिफ्ट करने के लिए कोई नई जगह की तलाश कर रहे हैं। उज्जैन से शकील खान की रिपोर्ट। क्षेत्रीय कार्यालय में क्या पानी वाली क्या स्थिति, क्या नुकसान हुआ? बहुत सारी जो पुस्तकें थी वो भीगी है। इसके अलावा कुछ उत्तर पुस्तिकाएँ पुरानी भी, कुछ नई कापियाँ भी भीगी हैं, कुछ जो बच्चों के फार्म थे वो भी भीगे हैं। इसके अलावा हमारे कंप्यूटर सेट, फोटो कापियर मशीन वो भी जो है मतलब डैमेज हुई है। थोड़ा सा करंट भी जो है दीवारों में इसमें आ गया। ये मतलब जो बिल्डिंग की जो जर्जर हालत है, तो ये जिससे संबंधित है उस विभाग को अपने निर्देश